आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही बटरी कोकोनट प्रॉन राइस। ये एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है। कोकोनट और प्रॉन की कॉम्बिनेशन में मैंने ये रेसिपी बनाई है और आप इसे इजीली चिकन या फिर मटन की रेसिपी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये और इसे बनाने में आपको ज्यादातर 15 से 20 मिनट ही टाइम लगेगा। तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो पहले हम एक पैन में करीबन 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे और तेल को ऐसे पैन में फैला लेंगे और तेल के गर्म होते हम इसमें प्रॉन्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पे छोटे वाले प्रॉन्स का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहे तो बड़े वाले भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप उसे राइस में डालें तब उसे आप ज़रूर छोटे पीसेस में काट के डालें, तभी ये राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। प्रॉन को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आँच में इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे और फ्राई करते वक्त हम इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये जो प्रॉन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और जब ये ऐसे राउंड शेप में आ जाए ना तब आप समझना कि प्रॉन जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है और तब हम इसे कढ़ाई से ऐसे निकाल लेंगे। तो इसे हम साइड पर रख देंगे और उसी कढ़ाई पर हम इसमें चावल डाल देंगे। तो चावल मैंने यहाँ पर करीबन 150 ग्राम लिया है। तो मैंने आपको मेरी वीडियो में पहले भी बताया है, जब भी आप कोई फ्राइड राइस की रेसिपी बनाएं तो राइस को आप तुरंत ही उबाल के यूज़ ना करें, उसे आप अच्छे से छान कर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें या फिर आप उसे फैन के नीचे भी अच्छे से सुखा लें, तब जो राइस है वो बनाते वक्त टूटता नहीं है। चावल को हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर हम इसमें 1/2 कप नारियल का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो नारियल को मिक्सी में पाउडर कर लें या फिर फूड प्रोसेसर से पाउडर कर लें, तो आपके लिए जो ईजी हो आप उसी का इस्तेमाल करें। नारियल डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें 1/2 कप के करीबन स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे और फ्राई किया हुआ प्रॉन डालेंगे। तो अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन ना हो तो घर में जो प्याज रखा होता है आप उसी को बारीक काट के इसमें डाल दें। सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 छोटी चम्मच शाह मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो जिन्हें पता नहीं है कि शाह मिर्च क्या होता है उनके लिए मैं बता दूं, शाह मिर्च दिखने में बिल्कुल काली मिर्च की तरह ही दिखता है, सिर्फ इसका कलर जो है वो वाइट होता है। फिर हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से ऐसे मिला लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसे थोड़ा ऐसे और फ्राई कर ले। और बस जब इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आए तब आप समझना कि ऑलमोस्ट रेडी है। और इसी स्टेज में हम इसमें 2 बड़ी चम्मच के करीबन बटर डाल देंगे। बटर को हम चावल में थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ से ऐसे डाल देंगे और बस अब हम इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से ऐसे मिक्स कर देंगे जब तक ये बटर जो है वो मेल्ट ना हो जाए। इस प्रोसेस में आप गैस को एकदम लो फ्लेम पर रखें और बटर को आप धीरे धीरे मेल्ट होने दें। और ये हमारी कोकोनट प्रॉन राइस जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आपने देखा ना कितना कम समय में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाता है और बच्चों से बड़े तक इसे सभी पसंद करते हैं। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और कैसे बना है वो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।